हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो वी आर बैक विथ आर अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो भी कुछ ट्यूटोरियल से रिलेटेड है, जिसमें हम हमारी वाइट लेस मैट जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाने वाले हैं, हाउ टू यूज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अभी तक कि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, आप सभी कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक गुड न्यूज है, तो उसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक के आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम हमारे मोल्ड से। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो व्हाइट लेस मैट है आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा अवेलेबल, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमारे पास है दो पैटर्न, जिसमें फर्स्ट डिजाइन कुछ ऐसी है एंड सेकेंड डिजाइन है व्हाइट लेस मैट की कुछ ऐसी। इन दोनों का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ साथ हमारी अभी न्यू रोलिंग पिन आई है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको यूज कैसे करते हैं ये आपको वीडियो में आगे देखने ही मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मेरे पास है राउंड कर्नर में 5 पीस का सेट, तो इसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैं लूंगा शुगर पेस्ट, जिसमें मैं ये रोलिंग पिन जो हमारी न्यू वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं इस चीज को यूज करूंगा। अगर आपको थिक पैटर्न चाहिए तो आप थिक रख सकते हो, अगर मुझे थिन पैटर्न चाहिए तो मैं थिन पैटर्न के लिए कम शुगर पेस्ट यूज कर रहा हूं। तो इसे कुछ इस तरीके से लगाने के बाद प्रेस करना है थोड़ा सी, ताकि वो अपने शेप के लिए बराबर हो जाए। एंड फिर मैं उसके बाद इसे ऐसे स्लाइटली, ताकि वो बराबर से अपने शेप ले सके। एंड उसके बाद मैं उसे ऐसा स्लोली निकालूंगा, फिर इसे उसके साइज के कटर के हिसाब से उसे मैं कट करूंगा। अब मुझे प्लेन चाहिए था तो मैंने प्लेन कटर यूज किया है, अगर आपको डिजाइन में चाहिए तो आप डिजाइन वाला भी कटर इस पे यूज कर सकते हो, जैसे ये डिजाइन दिया हुआ है। अब मुझे प्लेन की नीड थी तो मैंने प्लेन यूज किया है। सो ये तो था पहला हमारा फर्स्ट। अब इसी के साथ हम दूसरे भी पैटर्न का यूज करेंगे। फर्स्टली मैं इसे बराबर बिठाने की कोशिश करूंगा, फिर सेकंड मैं इसके ऊपर ऐसा रोलिंग पिन चलाऊंगा, यूज करूंगा मैं इसे कि ये बराबर अपना परफेक्टली शेप ले सके। एंड इसके बाद मैं इसे स्लोली निकालूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का शेप इसमें निकलेगा। आपको बराबर दिख रहा होगा इस चीज में कि बराबर ही सर्कल इसका बराबर निकला। तो मैंने इसमें पैटर्न वाला राउंड कटर इसमें यूज किया है। Thank you.
देन ये जो डिस्को डस्ट है ये भी आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने इतना ज़्यादा तो उस पर डस्ट नहीं किया बट लाइटली सा किया ताकि थोड़ा शाइन करे वे। तो ये था हमारा पहला आउटपुट और ये था हमारा दूसरा आउटपुट। और भी मैंने दो आउटपुट लिए, फर्स्ट सेकेंड। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा हमारे सारे कस्टमर्स लोग को, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कस्टमर को ये चीज कहा था कि मैं आप सारे कस्टमर्स लोग के लिए गुड न्यूज लाया हूं, तो गुड न्यूज ये है कि वी आर अवेलेबल ऑन आवर प्ले स्टोर ऑल्सो एंड एप स्टोर ऑल्सो। सो iOS यूजर्स के लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है कि हम ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो हम ऐप स्टोर के लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एंड प्ले स्टोर की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए, आप हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए और परचेस कीजिए। और अभी बहुत जल्द हमारी सेल भी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक के आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को। तो ये थी हमारी वीडियो। We'll be right back.